इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन चेंस किसको कहते हैं हमने ये पहले भी स्टडी किया था वैसे और थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे दीज आर प्रोवाइडेड एट ऑल चेंज चेंज ऑफ ऑफ डायरेक्शन डायरेक्शन जहां कहीं भी change of direction हुआ इसको प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड क्लींजिंग ऑफ ड्रेन और सीवर चेंज ऑफ डायरेक्शन हो वहां पर हमको प्रोवाइड करना है और ये इंस्पेक्शन चेंबर हमें क्लीनिंग का जो पर्पज है वो भी सर्व करके देता है दे आर कंस्ट्रक्टेड विद्रीट बेड एंड ब्रिक औरसी स्लैब इज प्रोवाइडेड का स्लैब प्रोवाइड कर देते हैं बॉटम में तो बेड के तौर पर प्रोवाइड करना है तो कंपल्सरी है और ऊपर से टॉप से हम क्या करेंगे एक ओपनिंग रखेंगे जहां से कोई भी जो पर्सन है जो इसको क्लीन करना चाह रहा है वो यहाँ पर इंसर्ट हो सके और साइड में जो वॉल्स होती हैं वो हम ब्रिक वर्क में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अंदर की सरफेस है उसको स्मूथ करना जरूरी है इसलिए हम उसको प्लास्टर कर देते हैं ठीक है यहां से देखो ये फ्रॉम हाउस से ये हमारा सीवर आ रहा है ये पाइपलाइन हमारी ये जो वेस्ट है पाइपलाइन यहां से आ रहा है इस पाइपलाइन के थ्रू और फिर हमने यहाँ पर एक ट्रैप प्रोवाइड कर रखा है इंटरसेप्टिंग ट्रैप हमने कल स्टडी किया था दिस इज एक्चुअली द इंटरसेप्टिंग ट्रैप दिस पार्ट

और फिर ये ट्रैप के बाद में ये जो पब्लिक सीवर है यहाँ पे हमारा वेस्ट चला जाएगा मतलब जो कोई भी फॉल गैसेस तो हमारे पब्लिक सीवर के अंदर है वो यहाँ पर इस ट्रैप के होने की वजह से हमारे हाउस के अंदर इंसर्ट नहीं हो पाती ठीक है इंस्पेक्शन चेम्बर्स आर जनरली स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन शेप स्क्वायर या रेक्टेंगल होते हैं शेप के अंदर द साइज वेर अकॉर्डिंग टू द डायमीटर ऑफ द ड्रेन और सीवर साइज ऑफ द मेन होल और क्लीनजिंग आई प्रोवाइडेड एंड फंक्शन ऑफ द चेंटिंग चेंबर इंटरसेप्टिंग ट्रैप प्रोवाइडेड इन एन इंस्पेक्शन चेंबर नेसेसिटी फॉर इंस्पेक्शन फॉर क्लीनिंग फॉर रिपेयर फॉर मेंटेन इसके बहुत ज्यादा जरूरत है इंस्पेक्शन चेंबर की ठीक है नेक्स्ट इज द जंक्शन चेंबर वेन टू और मोर सीवर ज्वाइन ईच अदर जब दो से ज्यादा सीवर एक दूसरे से कनेक्ट हो एक जंक्शन का फॉर्मेशन हो रहा ठीक है ना तो उस जगह पर भी एक हमको बनाना चाहिए और उस को हम कहते हैं जंक्शन इज फॉर्म्ड जंक्शन किस वजह से फॉर्म हो रहा है दो या दो से ज्यादा सीवर्स के किसी पॉइंट के ऊपर कनेक्ट होने की वजह से अब वहां पर हम क्या करेंगे बाय प्रोवाइडिंग मैन होल विद चैनल इन द बॉटम सिंगुलर मतलब ऐसा भी हो सकता है तो यहाँ पर ये जो जंक्शन बन रहा है इस जंक्शन के ऊपर हमें एक स्ट्रक्चर का बनाना जरूरी है और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जंक्शन चेंबर इन जंक्शन चेंबर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सीवर बिलो द इंटरसेक्शन रिमेन्स द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ़ द जंक्शन देखो इसका मतलब क्या है समझाता हूं आपको इन जंक्शन चेंबर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सीवर बिलो द इंटरसेक्शन देखो जैसे मैंने आपको बताया ये एक पाइप आ रहा है ये एक पाइप आ रहा है और ये नीचे जा रहा है तो यहां पर दिस इज द लेवल ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर हो रहा है ना आपकी इस लेवल के ऊपर इंटरसेक्शन हो रही है तो इस इंटरसेक्शन के बिलो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सीवर बिलो द इंटरसेक्शन यहाँ का जो डायमीटर है इसका अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ये डायमीटर किसके इक्वल होना चाहिए सम ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सीवर अबो जंक्शन ये जो सीवर का जो जंक्शन है इसके ऊपर के जो डायमीटर्स हैं उन दोनों के डायमीटर के सम मतलब ये पाइप नंबर वन है ये पाइप नंबर टू है ये पाइप नंबर थ्री है सो द पाइप नंबर शुड बी इक्वल टू डायमीटर डायमीटर ऑफ ऑफ पाइप पाइप नंबर नंबर प्लस पर ये बताया गया जो कोई भी आपकी लेवल ऑफ इंटरसेक्शन है उसके बिलो जो डायमीटर ऑफ पाइप रहेगा वो कितना रहेगा उसके ऊपर के जितने भी क्रॉस सेक्शनल एरियाज हैं उन सब के क्रॉस सेक्शनल एरिया के सम में सम के इक्वल रहेगा ठीक है In order to maintain the same velocity of flow of sewage in all the sewers, the stream from all the sewers should meet, should meet with the same velocity and at the same surface elevation. There is a flat roof between the top of the arches when their level is the same, when the levels are different. Top roof is provided at the level of the top of the highest arch. रूफ इज जनरली कंस्ट्रक्टेड ऑफ द इन फोर सीमेंट कॉन्क्रीट यहाँ पे लेवल का मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है अभी मैंने जो आपको डायग्राम बनाई थी ना इस तरीके से ये दो सीवराय और ये कंबाइन होकर आगे चली गई तो ये मैंने आपको प्लान में बनाया हुआ है अगर आप इसको सेक्शन में देखोगे इस तरीके से ये आपकी ग्राउंड लेवल है ठीक है एक सीवर लाइन आपकी यहाँ से इस तरीके से आ रही है एक सीवर लाइन आपकी यहाँ से इस तरीके से आ रही है और फिर कंबाइन होकर इस तरफ जाएगी तो ओवरऑल आपके टोटल में स्लोप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है जंक्शन आप तो आपने प्रोवाइड कर दिया लेकिन जो जो थर्ड वाला पाइप आपका कंबाइन जो डिस्चार्ज लेकर के जा रहा है आपने उसका स्लोप प्रॉपर मेंटेन नहीं किया जो पाइप नंबर वन और पाइप नंबर टू का जो स्लोप है उससे ज्यादा स्लोप पाइप नंबर थ्री का होना चाहिए ऑब्वियसली तभी तो ये पाइप नंबर वन और पाइप नंबर टू का जो डिस्चार्ज uh, है वो पाइप नंबर थ्री के अंदर हो जाएगा। अगर आपने इन को नहीं किया तो ऐसा भी हो सकता है आपका दोनों पाइप में से डिस्चार्ज आके वहां कलेक्ट हो जाएगा और थर्ड पाइप का आपने स्लोप मेंटेन नहीं किया मीनस उसमें फ्लो हो ही नहीं पाएगा जिसकी वजह से टोटल डिस्टरबेंस हमारे सैनिटरी सिस्टम का वहां पर क्रिएट हो जाएगा इसीलिए हमें क्या करना है लेवल्स को भी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है जंक्शन चेंबर के अंदर